हमारी दुनिया में न जाने कितने ही अजीबो गरीबो रहस्यों से भरी पड़ी है, पर सच्चाई है कि हम लोग अपने पूरे जीवन काल में उन रहस्यों में से कुछ ही जान पाते हैं, और ज़्यादातर रहस्य एक अनसुलझा सवाल बनकर ही हमारे मन में रह जाता है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि हम लोग दुनिया में घटने वाली कितने सारे अजीबों के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। आज हम दुनिया का 10 ऐसे ही डेड बॉडीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ गाइस, नंबर 1, सेंट जीटा। इटली के लुका कस्बे के बेसिलिका डी सेंट फ्रेडियानो में सेंट जीटा की बॉडी रखी गई है। वह एक कैथोलिक संत थी और जरूरतमंदों की देखभाल करती थी, तो उनके घर के ऊपर एक तारा यानी कि स्टार दिखाई दिया था। 1580 में इनकी बॉडी को खोदकर निकाला गया तो यह सुरक्षित हालत में मिली। जीटा को 1696 में संत घोषित किया गया था। नंबर 2, जॉन टोरिंगटन। 1846 में अंग्रेज ऑफिसर जॉन टोरिंगटन नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज के अभियान में लगे थे। इस दौरान उनकी मौत हो गई थी। उस समय उनकी उम्र 22 साल की थी। मौत के बाद उनकी इस बॉडी को कनाडा में आर्कटिक के बैरन ट्रोंडा में दफना दिया गया था। 1984 में टोरिंगटन की कब्र को शिफ्ट करने के लिए खोदा गया तो सभी लोग हैरान हो गए। टोरिंगटन की डेड बॉडी तक ज्यों की त्यों रखी हुई थी। इस बारे में उस समय मीडिया में काफ़ी खबरें भी पब्लिश हुई थी। नंबर 3, ला डोंसेला। दक्षिण अमेरिका में यूरोपियन लोगों के पहुंचने से पूर्व एंडीज पर्वत की एक ऊंची जगह पर इंका महिला की बलि दी गई थी। पहाड़ के वातावरण में महिला का शरीर सुरक्षित बना रहा। करीब 500 साल बाद भी डोंसेला की इस बॉडी वर्क में जमी हुई मिली। नंबर 4, डेसी डोरजहो इटीग्लोव। डोरजहो इटीग्लोव एक बुढ़िया बौद्ध भिक्षु थे। 1927 में मेडिटेशन करते समय उनकी मौत हुई थी। उनकी डेड बॉडी को ठीक उसी पोजीशन में जमीन में समाधि दी गई थी। 1955 में इटीग्लोव के अनुयायियों ने उनके समाधि स्थल को खोला तो बॉडी ध्यान करने की पोजीशन में जो की त्यों थी, यह देखकर लोग हैरान हो गए। इसके बाद इस बॉडी को इटीगल खाम्बियन पैलेस टेम्पल में रखवा दिया गया। नंबर 5, लेडी जिनझुई। यह दुनिया की सबसे संरक्षित ममीज में से एक है। लेडी जिनझुई राजवंश के एक राजनीतिक की पत्नी थी। उनकी मौत 163 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन 2000 साल बाद भी 1972 में जब लेडी जिनझुई के मकबरे को खोदा गया तो बॉडी बेहद सुरक्षित थी और नसों में ब्लड भी मौजूद था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उसकी मौत हार्ट की बीमारी से हुई थी, और मैं इसके बारे में शायद आपको पिछले वीडियो में फुल एपिसोड में बताया था। जी हाँ गाइस, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। नंबर 6, रोसालिया लोम्बार्डो। सिसिली की राजधानी पालेर्मो में 2 साल की बच्ची रोसालिया लोम्बार्डो की डेड बॉडी रखी हुई है, जिसकी मौत 1920 में हुई थी। पिता ने एक्सपर्ट से अपनी बेटी की बॉडी को सुरक्षित करवाया था। एक्सपर्ट ने बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल सैलिसाइलिक एसिड और गैसोलीन के मिश्रण से ऐसे केमिकल तैयार किया जिससे यह बॉडी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। नंबर 7, व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन की मौत 1924 में हुई थी। सोवियत सरकार आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनकी बॉडी को सुरक्षित रखना चाहती थी। सुरक्षित रखने के लिए बॉडी को केमिकल से नहलाया जाता है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आज भी लेनिन की बॉडी ऐसे लगती है जैसे कि वह जीवित हो। नंबर 8, टोलुंडमैन। डेनमार्क के जटलैंड पेनिनसुला में टोलुंडमैन की बॉडी काफी संरक्षित हालत में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टोलुंडमैन की मौत 4 ईसा पूर्व शताब्दी में हुई थी। यह बॉडी जिस तरह की मिट्टी में रखी हुई है, जिसमें डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का गुण है। यह डेड बॉडी लगभग 3359 से 3105 वर्ष ईसा पूर्व के बीच की है। नंबर 9, ओत्जी। इटली के साथ टेरोल में ठंड के कारण यह बॉडी आज भी काफी सुरक्षित है। यह लगभग 3359 से 3105 वर्ष ईसा पूर्व के बीच की है। यह यूरोप की सबसे पुरानी मम्मी है। यह बॉडी कॉपर एज की याद दिलाती है। डेड बॉडी में जो कपड़े हैं वे घास और चमड़े से बने हैं। डेड बॉडी के पास एक कुल्हारी, चाकू, तरकस और मुट्ठी पर बैड मिले हैं। नंबर 10, संत फ्रांसिस जेवियर। भारत में ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखा हुआ है। संत फ्रांसिस जेवियर का मूर्त शरीर आज भी सामान्य अवस्था में रखा हुआ है। यह जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह सब विगत 460 वर्षों से बिना किसी या मसाले के आज भी एकदम तरोताजा है। तो शायद आप समझ गए होंगे दुनिया का 10 ऐसे रहस्यमय अजीबो गरीब डेड बॉडी। अगर आप आज तक इसके बारे में नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसा ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सत्यम फैक्ट रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेट कर लीजिए।